हाय दोस्तों, मैं जितेश कुमार। आज हम देखेंगे बाइक और यूपीएस की बैटरी में क्या डिफरेंट है करके। ये मैं अपने सोलर सेटअप के लिए BHL कंपनी का बैटरी यूज़ कर रहा हूँ, जो कि 7AH का। इसको मैंने चेन्नई के इलेक्ट्रिकल मार्केट से ख़रीदा था, जहाँ पे मुझे एक बैटरी का दाम 650 रुपये पड़ा था। तो मैंने ऐसी दो बैटरी ले रखी है अपने सोलर सेटअप के लिए। ये 7AH की बैटरी है और ये मेरी पुरानी बाइक की बैटरी है, तो ये अभी भी चलती है लेकिन सेल्फ नहीं देती। अगर आप इसको बाइक में लगाएंगे तो हॉर्न वगैरह बजेगा, लेकिन वो भी इतना खास नहीं बजता। मैंने बैटरी रिप्लेस करा ली है और ये आके 4AH की बैटरी है, 7AH की बैटरी है। ये आपको 1000 से 800-900 में पड़ेगा, जैसे जैसे आप जिस जिस स्टेट से बिलोंग करते हो तो एक एक स्टेट में एक एक रेट होता है। ये आपको ऑनलाइन में 1200 रुपये, 1000 रुपये, 900 रुपये में भी पड़ेगा, लेकिन मैंने तो डायरेक्ट जाके इलेक्ट्रिकल मार्केट से लिया था, जो कि हमारे चेन्नई में है। तो वहाँ पर मुझे 750 की बैटरी मिली। ये BHL कंपनी है, ये इंडिया की बहुत पुरानी ओल्ड बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ये VRL बैटरी के अलावा भी बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट बैटरीज बनाती है। तो अब इन दोनों बैटरियों का डिफरेंस क्या है कि सोलर पैनल के लिए, सोलर सेटअप के लिए आपको कौन सी बैटरी यूज़ करनी चाहिए। देखिए, बाइक की बैटरी आप सोलर सेटअप के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको इतना बढ़िया बैकअप इसमें नहीं दिखता है इसमें, क्योंकि एक तो ये जो बैटरी है सेल्फ के लिए यूज़ होती है, तो इनिशियल टाइम पे आपको करंट ये सब अच्छा मिलेगा, लेकिन क्या होगा, धीरे 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 करंट कम होता रहेगा और आपकी जो लाइट इंटेंसिटी होगी वो भी कम होती जाएगी, तो आपको इतना अच्छा बैकअप इसमें नहीं मिल पाएगा। और ये जो UPS की बैटरी होती है, ये बहुत स्ट्रांग पावरफुल बैटरी होती है और ये स्लो डिस्चार्ज होती है। स्लो डिस्चार्ज होने की वजह से आपका जो लोड है वो लंबे समय तक आपको चल लोड आप इसमें चला सकते हो। और इस बैटरी में क्या है कि आपको जो हाई क्रैंकिंग करंट मिलने के वजह से ये इसका जो जो डिस्चार्ज रेशियो है वो ज़रा जल्दी फास्ट होता है। तो आप अगर कोई बल्ब वगैरह कुछ लगाओगे तो पहले अच्छा जलेगा, उसके बाद धीरे 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 कम हो जाएगा, लेकिन लंबे समय तक नहीं चलेगा। तो यही मेन डिफरेंट है इन दोनों चीज़ों में कि सोलर के लिए क्या कौन सी बैटरी लगानी चाहिए। वैसे सोलर के लिए 20AH की है ना, आपको डिफरेंट डिफरेंट कंपनी से सोलर बैटरी मिल जाएगी, लेकिन उसका कॉस्ट इतना ज़्यादा होता है कि है ना, कि कभी कभी लोग एफर्ड नहीं कर सकते। अगर 20AH की बैटरी देखोगे तो कम से कम 3,500 से 4,000 रुपये के बीच में पड़ेगा। और जिस तरीके का मैंने अपना सोलर सेटअप दिखाया था आपको, उसमें मुझे इतनी बड़ी बैटरी की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन मुझे बैकअप की ज़रूरत है। मेरा जो सेटअप है वो कम से कम 12 घंटे के ऊपर चलता है। तो मैंने इस बैटरी के वजह इस बैटरी को इसलिए चुना क्योंकि इसमें ना स्लो डिस्चार्ज होने के कारण मैंने इस बैटरी को चुना है। तो अगर आपका अगर कोई सोलर सेटअप वगैरह लगाने का प्लान है तो आप बैटरी को लेकर कंफ्यूजन हो रहे हैं, तो आप कोई भी UPS की दो बैटरी लगाइए पैरेलल में और आप ये सेटअप को रेडी कीजिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको कुछ डिटेल वगैरह चाहिए तो मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा, आप अपने कमेंट है ना कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।